सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल जनरेशन ज्ञान को और सबसे पहले वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करिए। दोस्तों आज हम परचेज़ करने वाले हैं IQ का नियो 6। IQ के नियो 6 पे अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट दोनों पे ही अलग अलग बैंक ऑफ़र और डिस्काउंट वगैरह मिल रहे हैं। आप अपने परचेजिंग पे जब आप फ़ोन को ख़रीदते हैं आप कैसे बैंक डिस्काउंट और कूपन का इस्तेमाल करके अपने फ़ोन को और भी सस्ते प्राइस पे ले सकते हैं, आज हम इस वीडियो में इसी टॉपिक पे बात करेंगे। तो चलिए फ़िलहाल हम लेने वाले हैं IQ नियो 6 जो कि 30,000 के अराउंड इस समय अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट दोनों पे ही अवेलेबल है। हम अमेज़ॉन से परचेज़ करने जा रहे हैं और उस पर किस तरीके से आप बैंक ऑफ़र और कूपन को अप्लाई करके फ़ोन को सस्ता कर सकते हैं, फ़ोन की प्राइस को कम कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। तो दोस्तों हम आ गए हैं अमेज़ॉन की ऐप पे और ये है IQ का नियो 6 स्नैपड्रैगन 870, 8GB रैम, 128GB स्टोरेज और मैंने सिलेक्ट किया है डार्क नोवा। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ दिखा रहा है 14% ऑफ अमेज़ॉन चॉइस, तो ये फ़ोन मैंने सिलेक्ट किया है, आज हम इसी को परचेज़ करने जा रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इसकी कीमत 29,999 यानी 30,000 रुपये रखी गई है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। इसमें ये दिखा रहा है कि अभी सेल वगैरह चल रही है तो आप 5,000 रुपये तक इसमें सेव कर सकते हैं। EMI वगैरह पे ये दिखा रहा है 1,412 रुपये नो कॉस्ट EMI वगैरह आप यहाँ से बचा सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं नो कॉस्ट EMI पे अप टू 2,445 रुपीज़ आप EMI इंटरेस्ट यहाँ से सेव कर सकते हैं। बैंक ऑफर में अप टू 2,250 रुपीज़ यानी 2,250 रुपये अगर आपके पास SBI का क्रेडिट कार्ड है तो आप उसको भी सेव कर सकते हैं और कुछ कैशबैक अलग से भी यहाँ दिए जा रहे हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि 1,000 रुपये का अमेज़ॉन की तरफ से कूपन भी यहाँ दिया गया है जो कि मैंने ऑलरेडी अप्लाई कर रखा है। इसके अलावा एक्सचेंज फ़ोन का भी एक ऑप्शन दिया हुआ था जिसमें मैंने अपना पुराना एक फ़ोन था मेरे पास Asus ZenFone Lite का, मैंने उसको यहाँ पे एक्सचेंज भी किया हुआ है। इसका 100 रुपीज़ मुझको एक्सचेंज सर्विस अलग से देना पड़ा है। तो ये सारे डिस्काउंट वगैरह लगा करके अब हम आगे बढ़ते हैं। मेरा फ़ोन वगैरह भी आप यहाँ से एक्सचेंज कर सकते हैं। जो फाइनल प्राइस अब हमारा बना है वो 24,649 रुपये के करीब का बना है टोटल अमाउंट, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। तो ये थी प्राइस 30,000 रुपये और ये कूपन और एक्सचेंज प्राइस वगैरह लगा करके 24,649 रुपये बना है। अगर आपके पास SBI का क्रेडिट कार्ड है तो 2,250 रुपये आप यहां और सेव कर सकते हैं। चलिए हम फटाफट अब इसको बाय नाउ पे क्लिक करते हैं। सो हमने बाय नाउ पे क्लिक कर दिया है। एड्रेस वगैरह आप यहां से चूज़ कर लीजिए जिस एड्रेस पे भी आपको फ़ोन मंगवाना है। आप यहां देख सकते हैं कि 1,000 रुपये का जो कूपन अमेज़ॉन की तरफ से हमें मिला था यहां ऑलरेडी वो अप्लाई हो चुका है। अब आपको यहां पेमेंट मेथड चूज़ करना है कि आप किस पेमेंट मेथड से अपना पेमेंट करना चाह रहे हैं। अमेज़ॉन पे लेटर का भी ऑप्शन यहां आपको मिल जाएगा बट उस पर इंटरेस्ट वगैरह थोड़ा ज़्यादा लगेगा, इसलिए मैं अमेज़ॉन पे लेटर से नहीं ले रहा हूँ। मैं क्रेडिट कार्ड से यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ, RBL का क्रेडिट कार्ड है मेरे पास। आप यहाँ देख सकते हैं कि टर्म्स ऑफ मंथ्स यहाँ दिखा रहा है कि आप 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने किस पर आप लेना चाह रहे हैं, उस हिसाब से आप यहाँ अपनी EMI चूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ 9 मंथ का EMI चूज़ किया है। सो आप यहाँ देख सकते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 29,999 का प्राइस है और 100 रुपये हमारा फ़ोन एक्सचेंज करवाने का जो सर्विस है वो देना पड़ रहा है। तो जो हमारी कॉस्टिंग आ रही है वो 30,999 रुपये आ रही है। इसके अलावा जो 1,000 का कूपन था वो हमारा यहाँ लग चुका है। डिस्काउंट जो EMI पे दे रहा है वो 1,466 रुपये डिस्काउंट दे रहा है और 4,450 रुपये जो हमने फ़ोन एक्सचेंज करवाया है ये उसकी प्राइस है। तो टोटल जो हमारा फाइनल प्राइस बन के आ रहा है वो 23,182 रुपये बन के आ रहा है, जिसमें जो लैंडर है हमारा वो हमसे इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है 1,472 रुपये और फाइनल हमारा जो प्राइस बन के आ रहा है वो 24,655 रुपये बन के आ रहा है। मतलब 30,000 का फ़ोन हमें सब डिस्काउंट वगैरह लगा करके, फ़ोन एक्सचेंज वगैरह लगा करके 24,655 रुपये का पड़ रहा है और 9 मंथ की मैंने इसमें EMI अपनी सिलेक्ट की है। तो जो हमारा 9 मंथ का EMI बन रहा है वो 2,700 रुपये के करीब हमारा बन रहा है। सो एड्रेस वगैरह हमने सिलेक्ट कर लिया है। प्लेस योर ऑर्डर एंड पे के ऑप्शन पे अब हम क्लिक करेंगे। यहाँ डिलीवरी वगैरह दिखा रहा है कि कब आपको मिल जाएगा। सो आगे बढ़ते हैं। हमारा यहाँ पेमेंट जो है वो कंफर्म हो रहा है।
सो पेमेंट वगैरह हमारी कंफर्म हो चुकी है और हमारा ऑर्डर भी प्लेस हो चुका है, और ये हमको दिखा रहा है कि कल की डेट में हमारा ये फ़ोन हमें मिल जाएगा, क्योंकि हमारा ये अमेज़ॉन प्राइम है तो वन डे जो डिलीवरी ये लोग बोलते हैं उसके हिसाब से ये आज हमने अगर ऑर्डर किया है तो कल हमें ये फ़ोन मिल जाएगा। तो दोस्तों ये थी एक वीडियो कि कैसे आप अपने परचेजिंग पे कूपन और डिस्काउंट वगैरह लगा करके, बैंक ऑफ़र लगा करके अपने फ़ोन को और भी सस्ता कर सकते हैं और भी बड़े बड़े डिस्काउंट ले सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड।